अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एवरी का अगर आपके पास किसी किस्म का भी कोई स्केल है उसकी आप कैलिब्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे चैनल में वैसे एवरी के जितने भी स्केल के मॉडल हैं, जैसे L225 है, L115 है, L226 है, उसके अलावा HFS है एवरी का, और इसके अलावा जितने भी एवरी के मॉडल हैं उन सब की स्केल की कैलिब्रेशन जो है आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। लेकिन आज जो है हम आप लोगों को ये एवरी वेट्रॉनिक्स का ही एक इंडिकेटर है जिसका मॉडल नंबर है AWB120, आज हम आपको इसकी कैलिब्रेशन बताएंगे। ये जो है अभी वजन हमें कम बता रहा है, तो इसमें हम आपको सारी सेटिंग बताएंगे कि आपको अगर वजन कोई भी स्केल कम बता रहा हो तो उसको आप बराबर जो ओरिजिनल सेटिंग है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसकी कैपेसिटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट किस तरीके से यानी चेंज कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट जो है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने कंप्यूटर के साथ इसको अटैच करना है तो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए क्या क्या सेटिंग है, और उसके अलावा इसकी कंप्लीट जो सेटिंग है उसके मुताबिक आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूं कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम जब इसके ऊपर वजन डाल रहे हैं तो ये जो है वजन हमें बता रहा है, लेकिन जो है वजन हमें एक्यूरेट वजन नहीं बता रहा है। तो अभी जैसे ये 5 केजी का डेड वेट है, मैं ये 5 केजी का डेड वेट रखता हूँ, ये 3.10 हमें बता रहा है, 3.10, तो ये हमें अभी पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा है। मैं सबसे पहले आप उसका कवर हटा दूँ ताकि ये वीडियो क्लियर आए। आप ये देख सकते हैं अब ये क्लियर आएगी। अच्छा, इसकी कैलिब्रेशन कैसे है कि सबसे पहले हमने इंडिकेटर को हमने ऑफ कर देना है, ये ऑफ का बटन प्रेस करके रखेंगे ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमने जैसे ही इंडिकेटर को ऑन करना है उसके बाद हमने प्रिंट के बटन को प्रेस करना है। ये मैं थोड़ा नज़दीक लियो, ये देखें हमने सबसे पहले इंडिकेटर को ऑन करना है और प्रिंट के बटन को प्रेस करना है। जब हम प्रिंट के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने PN ये पासवर्ड हमारे से पूछ रहा है। इसका पासवर्ड जो है M+, ये मैंने 2 दफ़ा M+ दब गया है, तो मैं इसको दोबारा एक दफ़ा ऑफ कर देता हूँ, दोबारा मैं ऑन करता हूँ और प्रिंट का बटन दबाता हूँ। उसके बाद इसका पासवर्ड है M+ ये नेट, और टेयर की मदद से हम एंटर हो जाएंगे। ये M+ और नेट, प्रिंट का बटन दबाया था, M+ और नेट ये हमने दबाया है, तो ये इसका पासवर्ड है। उसके बाद हमने टेयर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा P0। P0 के अंदर जो है इसकी मुख्तलिफ अंदर सेटिंग है, अगर हमने एंटर होना चाहते हैं तो हम 0 से एंटर हो जाएंगे। ये इसकी सेटिंग हाई की सेटिंग है, यानी इसके अंदर हाई और लो लिमिट भी होती हैं, अगर हमने हाई और लो लिमिट सेट करनी है तो हम यहाँ से हाई लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये हमने लो लिमिट सेट करनी है इसकी तो हम यहाँ से लो लिमिट भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये बीप की ऑप्शन है, बीप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं हाई लो लिमिट के अंदर, तो ऑप्शन 0 के अंदर ये सेटिंग थी। उसके बाद हम चेंज करते हैं, यहाँ पे P1 आ जाएगा। P1 जो है इसका ये जो मूड है इसके अंदर हम एंटर होते हैं, ये इसका मूड आ गया। अगर हमने कोई भी प्रिंट वगैरह निकालना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे कि ये मोड को हम प्रिंट के अंदर ऊपर सेट करेंगे तो हम प्रिंट का बटन दबाएंगे तो हमारी पर्ची वगैरह निकल जाएगी। अगर हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो हमने इसको कंटिन्यूसली के साथ हम कंटिन्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ताकि ये कंटिन्यूसली डाटा जो है कंप्यूटर को देता जाए। तो अभी हम जो है इसके अंदर हो जाते हैं, ये कंटिन्यू कंटिन्यू की सेटिंग ये पहले ही ऑन है, ये हम एंटर हो जाए दोबारा एंटर का बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद टेयर के बटन को प्रेस करते हैं, ये इसकी बर्ड रेट की सेटिंग आ जाएगी। बर्ड रेट जो है इसका इस टाइम 9600 है, अगर हमने चेंज करना चाहते हैं ये 600 आ गया, 1200 आ गया, 2400 आ गया, 4800 आ गया और 9600, ये अभी बर्ड रेट इसका है। उसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं, उसके बाद हमने टेयर की मदद से फिर चेंज करते हैं, ये इसकी
मैंने आपको बताया था कि प्रिंट की सेटिंग है, तो इसके बाद मैं स्केप कर देता हूँ। ये P1 जो है इसकी प्रिंट वगैरह की सेटिंग है। उसके बाद मैं टीयर की मदद से चेंज करता हूँ, ये P2 काल आ गया। यहाँ पे जो है इसकी सारा डाटा बिट पैरिटी ये चीज़ें हम सारी P2 जो है इसकी कॉल की सेटिंग है, जैसे हमने इंक्रीमेंट डेसिमल कैपेसिटी और अनलोड कैलिब्रेशन लोड कैलिब्रेशन वो हमने P2 के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा एंटर हो जाते हैं, ये काउंट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से हमने काउंट की ऑप्शन हमने अभी नहीं छेड़नी। टीयर की मदद से आ जाते हैं, डेसिमल पॉइंट आ गया, यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं। डेसिमल पॉइंट चेंज करना है तो हमने ये टीयर की मदद से चेंज कर लेंगे। अभी हम 2 डेसिमल पर चलाना चाहते हैं, हमने 2 रख दिया है। उसके बाद दोबारा एंटर कर देते हैं, टीयर की मदद से हमने चेंज कर दिया। ये ड्यूल की है, ड्यूल हमने ऑफ कर देना है क्योंकि एक टाइम में अभी ये एक प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होगा। अगर हमने इसी इंडिकेटर को 2 प्लेटफॉर्म के साथ अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद हमने ये इंक्रीमेंट आ गया, इंक्रीमेंट अगर हमने 2 रखनी है, 5 रखनी है, हम 5 रख देते हैं। उसके बाद फिर एंटर कर देते हैं, टीयर की 0 की मदद से एंटर हो जाएगा। ये इसकी कंप्लीट सेटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एस्केप की मदद से बाहर आना है और टीयर की मदद से चेंज करना है। यहाँ पे इसकी कॉल की सेटिंग आ गई, कॉल की जो सेटिंग आएगी हमने दोबारा 0 की मदद से एंटर हो जाएंगे। ये अनलोड कैलिब्रेशन हमें शो कर रहा है, जब अनलोड कैलिब्रेशन होगी तो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी वजन नहीं रखना है। तो उसके बाद हमने दोबारा 0 की मदद बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे वो कोई भी वैल्यू दे रहा है। तो अभी हमने इसकी जो वैल्यू है 5 kg के ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं, टीयर की मदद से वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और एम प्लस की मदद से राइट साइड के ऊपर आएंगे और यहाँ पे इसको हम चेंज करते हुए 0 कर देंगे। अभी हमारे पास 5 kg का डेड वेट है इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसके बाद हमने डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देंगे, 5 kg का जो डेड वेट है तो वो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया है। और हम दोबारा 0 की मदद बटन को प्रेस करेंगे, दोबारा 0 के बटन को प्रेस करेंगे और ये पास आ गया। ये बैक काउंटिंग चलेगी तो हमने डेड वेट को प्लेटफॉर्म से हटा देना है और ये 0-0 हो जाएगा। जब ये 0-0 हो गया है, डेड वेट को दोबारा हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के हमने चेक कर लेना। आप ये देख सकते हैं कि पहले जो वजन था वो हमें 5 kg पूरा नहीं बता रहा था, लेकिन अब जो वजन है ये वही डेड वेट है जिसके जो उसको ये 5 kg हमें पूरा बता रहा है। अब ये लाइट की जो एक सेटिंग मैंने आपको बताई थी, वो लाइट कितनी देर बाद ये ऑफ करे, ये जो लाइट का फंक्शन है ये बैटरी को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि बैटरी जो है जल्दी वीक ना हो। ये थोड़ी देर बाद जो है ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा और जब अगर हमने वजन डालेंगे तो फिर ये हमें लाइट ऑन होगी, नहीं तो ये दोबारा लाइट ऑफ हो जाएगी लेकिन वजन हमें दिखाता रहेगा। ये सेटिंग हम अपनी मर्जी से टाइम यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को जो एवरी का ये इंडिकेटर है, एवरी वेट्रॉनिक्स, इसका मॉडल है AWB120, इसकी जो कैलिब्रेशन है वो समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ये स्केल एवरी का किसी किस्म का भी स्केल, लोड सेल या कोई भी चीज़ आप एवरी की परचेज करना चाहते हैं तो अच्छी कीमत में आप हमारे से ले सकते हैं। ऊपर हमारा नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।